नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निकल में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं ऑल न्यू फोर्स मोटर्स मल्टी स्ट्रक्चर एम्बुलेंस 2030 का लेटेस्ट मॉडल। दोस्तों आज हम इसकी प्राइस, इसके रिव्यू सभी के बारे में आज इसमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और पास लगी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर आपको हर नई नई गाड़ी की अपडेट कुछ इस तरीके से हमेशा मिलती रहे दोस्तों। और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की मिलने वाली है, डबल की मिलने वाली आपको, नॉर्मल ही है, कोई भी लोग अनलोग नहीं मिलता है इसमें। और यहीं अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ये 20,46,000 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस होने वाली है अजमेर में। दोस्तों अगर फोर्स मोटर्स की किसी भी गाड़ी के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए हो, गाड़ी परचेस करनी हो, तो आप बीके फोर्स अजमेर नियर नारली जैन टेम्पल अजमेर बाईपास नेशनल हाईवे 8 बड़ला चौराया अजमेर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9799290111 पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से। ऊपर आप देखेंगे कि एक छोटी सी आपको बार लाइट देखने को मिलेगी, ये मिलती है एम्बुलेंस की ब्रांडिंग। और कुछ इस तरह की फ्रंट विंडस्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। ऊपर मिलती है आपको इसमें पार्किंग लैम्प्स, BX6 की ग्राफिक्स, डबल आपको यहाँ पर वाइपर्स मिलने वाले हैं। और डबल ही इस पर आप देख सकते हैं कि वॉशर जेट आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। एम्बुलेंस की ब्रांडिंग बोनट पे मिलेगी आपको। और ये बात कर लेते हैं हेडलाइट सेटअप की, तो आपको हाई बीम और लो बीम में हेलोजन बल्ब सेटअप मिलने वाला है। नीचे मिल जाएगी पार्किंग लैम्प्स, ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। इसमें वाइट कलर की काफ़ी बिग साइज़ की आपको ग्रिल देखने को मिलेगी, फोर्स की बेजिंग और काफ़ी बड़ा सारा फोर्स का लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और डबल हॉर्न मिलते हैं आपको इसमें हाई और लो के लिए। ब्लैक कलर का बम्पर्स पे आपको कंपनी यहाँ पर फोगलम के लिए जगह दे रही है। कंपनी फिटेड नहीं है, आप लगवा भी सकते हैं। टोइंग हुक का कनेक्शंस ये मिलते हैं, नंबर प्लेट के लिए जगह आपको। और ये बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के, आपको मिलने वाला सेमी इलेप्टिकल लीप स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एंड एंटी रोल बार सस्पेंशन फ्रंट में। और यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका साइड प्रोफाइल्स। ये बात कर लेते हैं टायर की, तो आपको यहाँ मिलता है 215/75 इंच के टायर। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, साइट एंड इंडिकेटर, ट्रेवलर की बेजिंग, FM 2.6 CR की ग्राफिक्स देखने को मिलेंगी। और आगे देखेंगे कुछ बोनट इसका सा हल्का सा लंबा कर दिया गया है। यहाँ पर मिलते हैं ब्लैक कलर के आउटसाइड मिरर फोर्स की ब्रांडिंग के साथ में, जिसके ड्राइवर हम पीछे साइड इसमें पूरी आसानी से कवर कर सकें। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स। और यहाँ पर एम्बुलेंस पर ग्राफिक्स मिलती है आपको पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की। और यहाँ पर अपना आप फ्यूल फिल करवा सकते हैं। फ्यूल टैंक क्षमता की बात की जाए तो 70 लीटर की कैपेसिटी के आसपास इसकी फ्यूल टैंक क्षमता होने वाली है। और यहाँ पीछे की बात की जाए तो पीछे आपको इसमें ड्रम ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगा और कुछ इस तरह की रेडियम आती हैं पूरी बॉडी पे येलो कलर की। और अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, तो आपको यहाँ पर इसकी लंबाई मिलने वाली है 5615 mm, चौड़ाई मिलने वाली है 2225 mm और ऊंचाई मिलने वाली है 2670 mm। व्हील बेस की बात की जाए तो 3350 इसका व्हील बेस मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 180 mm का यहाँ पर आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा मल्टी स्ट्रक्चर एम्बुलेंस का। 3,03,000 किलोमीटर की कंपनी आपको इसमें वारंटी दे रही हैं। और इसके साथ साथ 6 फ्री सर्विस आपको यहाँ पर मिलने वाली है इसकी। मल्टी स्ट्रक्चर यानी कि डबल आपको यहाँ पर अंदर स्ट्रक्चर मिलने वाली है इसकी, जिससे कि डबल पेशेंट आप कहीं भी इसमें इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके टेले यूनिट से, तो आपको यहाँ पर टेले यूनिट में मिलने वाला पूरा हेलोजन सेटअप। यह मिलता है आपको स्टॉप लैम्प, पार्किंग लैम्प्स, इंडिकेटर और रिवर्स, ABS ट्रेवलर की यहाँ पर आपको बेजिंग देखने को मिलेगी।
ब्लैक कलर का बम्पर मिलने वाला है पीछे रिफ्लेक्टर, उसके साथ 4 रियर पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यह मिल जाता मजबूत पीछे चढ़ने के लिए फुट स्टेप। एम्बुलेंस की ब्रांडिंग, टोम हुक के लिए कनेक्शंस, नंबर प्लेट के लिए जगह, फोर्स की बेजिंग, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, ऊपर आपको पार्किंग लैंप्स भी देखने को मिलेगी, बिग सिक्स की ग्राफिक्स, और यहाँ नीचे ही मिल जाता है इसका स्पेयर व्हील। और यही बात कर लेते हैं इसके हरियर सस्पेंशन की, तो आपको यहाँ मिलता है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर एंड एंटी रोल बार सस्पेंशंस। और दोस्तों अब ओपन करते हैं पीछे से एक बार, वो साइड डोर ट्रिम देखेंगे तो कुछ उस तरह की वाइट कलर की डोर ट्रिम मिलती है पीछे। इनर हैंडल मजबूत हैंडल मिलता है पकड़ने के लिए, लॉक अनलॉक है, पॉप अप डोर सिस्टम, और पीछे पर्दे भी लगाए गए हैं पूरी विंडो पे, और कुछ इस तरीके से पीछे लॉक कर सकते हैं दूसरे दरवाजे को। इधर मिलते हैं दोनों तरफ मजबूत हैंडल्स ताकि कोई भी चढ़े तो पकड़ के आसानी से चढ़ सकते हैं। यहाँ आपको डबल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिससे कि दो पेशेंट्स को आप एक साथ कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ड्रिप्स के लिए आपको दोनों तरफ इस तरह हैंडल मिलेंगे और दोनों तरफ मिल जाती हैं यहाँ पर सिलेंडर्स रखने के लिए जगह। और यहाँ पे अटेंडेंट यहाँ पर इसके जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं दोनों मरीज के दोनों तरफ। ये मिलता है छोटा सा ग्लोव बॉक्स जिससे कि कोई छोटी मोटी चीज़ या दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह कुछ यहाँ पर रख सकते हैं अपनी। विंडो और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं रूफ पे आपको फैंस मिलने वाले हैं दो इधर और दो इधर, टोटल 4 फैन मिलते हैं इसमें। ड्रिप्स के लिए 2 यहाँ पर और हुक्स मिल जाते हैं आपको, ऊपर मिल जाती है इसकी रूफ लाइट LED, और इसके साथ साथ 2 और मिल जाती है आपको रूफ लाइट, एक इधर और एक इधर, वो भी LED है दोस्तों। और बाकी आप देख सकते हैं कि हर विंडो पर आपको पर्दे मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और एक बार अगर इसकी पूरी केबिन का अगर आप नज़ारा देखेंगे तो उस तरह का व्यू आता है पूरी का, देख सकते हैं। यह है मल्टी स्ट्रक्चर एम्बुलेंस 2030 का मॉडल। दोस्तों अब स्ट्रक्चर एक बार हम बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको, इस तरह से इसका लीवर खींच के और कुछ इस तरीके से आप इसे बाहर खींच सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बाहर आ चुकी है। इस तरीके से आप इसे पेशेंट को लेटा के भी सीधी सीधी से बाहर निकाल सकते हैं। और ये लीवर दिए गए हैं दोनों लीवर को दबा के वापस अंदर करने के लिए। ये एक है दोस्तों ग्रीन कलर में, एक है रेड कलर में, इसके साइन दिए गए हैं, इस हिसाब से इसे आप दोनों को मूव करके वापस अंदर की तरफ आसानी से डाल सकते हैं। और एक बार हम ड्राइवर केबिन की तरफ अंदर से चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह दिखाई देती है इसकी साइड डोर ट्रिम, ग्लास अप एंड डाउन, विंडो रेगुलेटर हैंडल, इनर हैंडल, मजबूत ग्रिप हैंडल, लॉक अनलॉक वही है दोस्तों पॉप अप लॉक सिस्टम। सेफ्टी के लिए यहाँ पे कंपनी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फायर एक्सटेंशन टैंक लगाया है। सीटिंग की बात की जाए तो ऊपर आपको हेडरेस्ट मिलने वाला है, यहाँ पर आप अपनी सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं हाइट, और आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। पेडल्स यह मिलता है आपको इको मोड, दोस्तों इको मोड आप कंपनी दे दिया है, जैसे गाड़ी अगर आपकी खाली हो हाई पर चल रही हो तो आप इको मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा एवरेज गाड़ी का अपना बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ आपको मिलता है 4-स्पोक स्टेयरिंग व्हील, पावर स्टेयरिंग मिलता है आपको इसमें, इधर मिल जाता है आपको इसमें
हेडलाइट यूनिट के कंट्रोल्स इधर मिल जाता है, इसमें वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ से करते की ऑन और सामने देखेंगे इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ आपको आरपीएम मीटर देखने को मिलेगा, इधर मिल जाता है इसका स्पीडोमीटर, 0 से 180 की स्पीड है। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर मिल जाता है फ्यूल गेज के लिए, बीच में मिल जाता है AW के लिए, और इधर मिल जाता है टेम्परेचर के लिए। और इधर ऑडोमीटर में इसके मोड्स भी दिए गए हैं जैसे सेट कर सकते हैं आप। और जिस तरह का डैशबोर्ड दिखा देता है इसका, यहाँ पे कंट्रोल्स देख सकते हैं डैशबोर्ड पे, रीजनरेशन, पीछे दिए गए फैन के कंट्रोल्स, हेजार्ड के कंट्रोल्स, और ये हैं इसकी रूफ लाइट के कंट्रोल्स, और ये इसकी हेडलाइट लेवल कंट्रोल्स, 12 वोल्टेज का चार्ज छोकर कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है। ड्राइवर गाड़ी चलाने से पहले कुछ आपको चेतावना दी गई है उसे ज़रूर पढ़ लें दोस्तों। गियर लियोनोव, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। मैकेनिज्म मिलते हैं आपको इसमें पार्किंग ब्रेक्स, और इधर मिल जाएगी को पैसेंजर के लिए सीट आपको, ड्राइवर एंड को पैसेंजर के लिए 2 सीटर आती है ये आगे केबिन में। मजबूत ग्रैब हैंडल्स पकड़ने के लिए, सीट बेल्ट मिलते हैं सेफ्टी के लिए। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिलता है आपको लॉक अनलॉक के साथ सेफ्टी के लिए, कुछ भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आप अपने यहाँ पे रख सकते हैं। और बिग साइज के मिलते हैं सनवाइजर, नॉर्मल ही कोई भी टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर आपको नहीं देखने को मिलेंगे इसमें। और ऊपर केबिन में मिल जाती है आपको एक रूफ लाइट LED, और यहाँ पर आपको मिल जाती है डैशबोर्ड पे ही इसकी एम्पलीफायर मशीन, और इसके मिल जाते हैं यहाँ पर इसके इसके वॉल्यूम के कंट्रोल्स और सायरन के कंट्रोल्स। और ये बटन है इसके, यहाँ बटन से भी आप इसे पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ साथ मिल जाता है आपको एक इमरजेंसी माइक, अगर आप कहीं पे भी ट्रैफिक में फंसे हों या फिर कहीं भी इमरजेंसी हो तो आप इसमें इसका इस्तेमाल करके अपना ट्रैफिक वगैरह कुछ भी क्लियर करवा सकते हैं दोस्तों आसानी से। और ये मिलती है रियर विंडो, यहाँ से ड्राइवर अपने पीछे की तरफ पूरी ध्यान रख सकता है पीछे वाली केबिन का। और एक बार लेफ्ट साइड से भी ओपन करके दिखा देते हैं, वही साइड डोरी मिलने वाली हैं, इधर से आप आसानी चढ़ सकते हैं। ओके, पैसेंजर्स के सीट के जस्ट नीचे मिलता है इसका बैटरी कट ऑफ, यहाँ से कुछ इस तरीके से आप इसका बैटरी कट ऑफ कर सकते हैं अगर गाड़ी लंबे समय तक खड़ी रखनी है आपको तो, इसकी आपकी बैटरी का भी कोई नुकसान नहीं हो, बैटरी बच सकती है। यहाँ से करते हैं बोनट ओपन और दिखाते हैं इसका इंजन आपको। और यही दोस्तों अगर इसके इंजन की बात की जाए तो आपको इसमें मिलता है 2600 cc का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो 115 HP की पावर और 350 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। ये 5 स्पीड मैनुअल सिंक्रोनस गियरबॉक्स के साथ आता है, 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। और इसी के साथ साथ कंपनी आपको इसमें 25 लीटर कैपेसिटी का एक AW टैंक भी दे रही है। हाँ तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मल्टी स्ट्रक्चर एम्बुलेंस 2023 का मॉडल, कमेंट जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।